मुरैना से पढ़ाई करने आई किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार आरोपी किशोरी को बाजार से बाइक पर अगवा कर ले गए, जहां कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराकर जबरन उससे शादी रचा ली। इतना ही नहीं, 8 दिन तक उसके साथ कई दफा दुष्कर्म किया गया। जैसे तैसे मौका पाकर किशोर आरोपियों के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। किशोरी से पूरा घटनाक्रम जानने के बाद परिजन उसे लेकर थाटीपुर थाने पहुंचे, जहां पीड़िता ने पुलिस को बताया कि थाटीपुर थाना क्षेत्र के भीमनगर में रहने वाला आरोपी उसे बाइक पर जबरन बैठा कर अगवा कर घर ले गया था, जहां उसके साथ कई दफ़ा ज्यादती की गई। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी योगेश गहलोत व उसके परिवार के 4 अन्य सदस्यों के खिलाफ बलात्कार व पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। ये थाटीपुर में एक बालिका थी जो कि कुछ दिनों से लापता थी। जब वो वापस आई और उसके स्टेटमेंट हुए तो जो उसका एक पुरुष मित्र था उसने उसे धोखे में रख के उसके साथ दुष्कर्म किया था। तो उसमें पुरुष मित्र और उसके परिवार के अन्य 4 जो सदस्य हैं इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं। इसमें शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ग्वालियर से सोमेश शर्मा की रिपोर्ट।